दोस्तों, जब भी हम अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई देती है, जिसका कारण है धरती पर मौजूद पानी। क्योंकि पृथ्वी पर 3/4 हिस्से पर पानी है और 1/4 हिस्से पर ज़मीन। आज जिस धरती पर हम रहते हैं, असल में ये पहले ऐसे नहीं थी। धरती पहले आग का एक गोला थी जो वक्त के साथ ठंडी होती गई और इस पर जीवन संभव हो पाया। समय बीतता गया और धरती पर इंसान, जीव जंतुओं और वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल होने लगा। विज्ञान ने बहुत से अनसुलझे रहस्यों को सुलझाया है, लेकिन यही विज्ञान आज तक एक रहस्य को अभी तक नहीं सुलझा पाया है, और वो है समुद्र की गहराई। आखिर समुद्र कितना गहरा है और हम इंसान समुद्र की कितनी गहराई तक जा चुके हैं, इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, धरती का लगभग 71% पानी भाग पानी से ढका हुआ है, और धरती पर कुल 5 महासागर हैं। इन 5 महासागरों में प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, क्योंकि ये दुनिया के सभी महासागरों का 45% हिस्सा है। इसके अलावा धरती पर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर और आर्कटिक महासागर मौजूद हैं। दोस्तों, अभी तक मापी गई समुद्र की सबसे गहरी जगह प्रशांत महासागर में मौजूद है, जिसे मरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है, और यह फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। मरियाना ट्रेंच की अधिकतम गहराई 10,898 मीटर मापी गई है। इस गहराई को आप इस तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले 40 मीटर की गहराई तक स्कूबा डाइविंग की जाती है। इससे नीचे 500 मीटर की गहराई पर ब्लू हेल मछली तैरती है, और 1000 मीटर की गहराई तक सूरज का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता। इससे नीचे 3500 मीटर की गहराई पर टाइटैनिक जहाज डूबा हुआ है। इतनी गहराई पर पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इंसानी फेफड़े आसानी से फट सकते हैं। 8,850 मीटर की गहराई पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बराबर है, यानी माउंट एवरेस्ट को अगर समुद्र में उल्टा डुबा दिया जाए तो वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। और इससे भी नीचे 10,898 मीटर की गहराई पर आता है मरियाना ट्रेंच। दोस्तों, मरियाना ट्रेंच धरती की सबसे गहरी जगह है। इस जगह पर समुद्र 10,898 मीटर से 10,916 मीटर तक गहरा है, यानी यहाँ पर करीब 11 किलोमीटर की गहराई है, जहाँ तक इंसान जा चुका है। दोस्तों, आपको ये बात पता होगी कि अभी तक करीब 1000 लोग सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं, तो इसके कंपैरिजन में केवल 3 व्यक्ति ही सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच तक जा सकते हैं। दोस्तों, साल 2012 में कनाडाई फिल्म फेयर जेम्स कैमरन एक पनडुब्बी में सोलो ट्रिप पर इस खाई में 10,898 मीटर तक नीचे गए थे। उन्हें इसके लिए पनडुब्बी बनाने में 7 साल लगे थे। इस जगह पर जाने वाले वे तीसरे इंसान हैं, और इस जगह पर उन्होंने 3 घंटे भी बिताए। दोस्तों, यहाँ पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुका जा सकता, लेकिन समुद्र इससे भी गहरा है। लेकिन पानी के इतने ज़्यादा प्रेशर के कारण इससे नीचे नहीं जाया जा सकता, और इससे नीचे क्या है कोई नहीं जानता। ये केवल एक रहस्य ही बना हुआ है। समुद्र की गहराई में जाने पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँच सकती। समुद्र के इसी हिस्से को द मिडनाइट जोन कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र की गहराई में कई ऐसी प्रजातियाँ हो सकती हैं जिनकी खोज अभी तक नहीं हो पाई है। समुद्र इतना विशाल है कि अभी वैज्ञानिक इसके 10-14% भाग को ही खोज पाए हैं, और इंसान अंतरिक्ष की खोज में लगा हुआ है, जबकि अभी तक हमने अपनी धरती को ही ठीक से नहीं देखा। दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल और आता है कि समुद्र की गहराई कैसे मापी जाती है। समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों की मदद ली जाती है। पानी के जहाज पर एक यंत्र लगाया जाता है जो अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा करता है। इस यंत्र का नाम फैदोमीटर है। महासागरों की गहराई मापने के लिए इसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने समुद्र की गहराई कितनी है। आज भी वैज्ञानिक इसकी पूरी गहराई नहीं नाप सके हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।